तो उधर इंटरपोल के सबका मुखी के बारे दसते हुए सोमवार को चीन के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रिश्वत लैन और होर अपराधों की जांच की जा रही है। नाल ही उन्होंने संकेत दिया कि सियासी बेनिजमिया के चलते चीनी अधिकारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक वैबसाइट से पोस्ट किए बयान में अधिकारियों ने कहा कि चीनी जन सुरक्षा उपमंत्री मेंग होंगवेई की जांच उन्होंने अपनी मनमानी से खुद को मुसीबत बुलाने के चलते की जा रही है। भ्रष्टाचार से सियासी गड़बड़ी की जांच करने वाली सत्ताधारी कम्यूनिस्ट पार्टी की एक एजेंसी ने ऐलान करते दसा कि मेंग ते कानून दे उलंघन दा शक है। बयान विच कहा गया कि मामले नूं लैके अधिकारियों की गंभीरता इस तों पता चलती है कि जन सुरक्षा मंत्री छालो लेजी ने इस ते चर्चा करन दे लई मंत्रालय की पार्टी अते कमेटी दे सीनियर अधिकारियों दे नाल सोमवार नूं बैठक की सी। फ्रांस के न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि 64 साल मेंग लापता है।